शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। 1965 की जंग छिड़ी हुई थी। भारत पाकिस्तान आमने सामने थे। पाकिस्तानी सेना हर फ्रंट पर मुंह की खा रही थी। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक बड़े हमले को अंजाम देने का मन बनाया। गोले दागते एक के पीछे एक अमेरिकी पैटर्न टैंक पाकिस्तानी सीमा से दनदनाती हुई पंजाब के खेमकरन सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका earshot हिंदी के परमवीर सीरीज के एक नए एपिसोड वीर अब्दुल हमीद में। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक ऐसे वीर का किस्सा सुनाएं जिसने 1965 की जंग में पाकिस्तानी टैंकों की अपने रिकॉयलेस गन से छक्के छुड़ा दिए थे। उस किस्से से पहले इन हथियारों के बारे में जरा समझ लीजिए। वीर अब्दुल हमीद पर किताब लिखने वाले सैयद एहसान अली उस लड़ाई में इस्तेमाल हुए पैटर्न टैंक और भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की गई रिकॉयलेस गन के बारे में बता रहे हैं। वो वार ये था कि अमेरिका ने जो है जो 497 टैंक दिए थे पाकिस्तान को, ये कह के दिए थे कि ये अजय पैटर्न टैंक है, ये टूटेंगे नहीं। और उसी समय हमको जो आरसीएल मिली थी रशिया से आरसीएल तो मिली थी, लेकिन उसका गोला नहीं मिला था। और ऐसी स्थिति में जब वो अटैक की पोजीशन में पाकिस्तान आया है, तो हमारे जो पॉलिसी मेकर थे उनको सबसे बड़ी परेशानी होने लगी कि इसका गोला कैसे बनाया जाए। तो होमी जहांगीर भाभा ने जो है, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जल्दी जल्दी में हमारा आरसीएल गोला बनाया। आरसीएल गोले की खूबी ये थी कि वो 11 इंच डीप करता था और उसके बाद ब्लास्ट करता था। पाकिस्तानी सेना पंजाब के खेमकरन सेक्टर की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक गोले बरसाते दनदनाते आगे बढ़े आ रहे थे। उन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती थी। चार ग्रेनेडियर के जवान अब्दुल हमीद ने इस दौरान अपने एक सीनियर से एक खास परमिशन मांगी थी। रात के 1 बजे अब्दुल हमीद अपने कमांडिंग अफसर के सामने आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि सर, हमको पाकिस्तानी रेंज के अंदर जाना है, पाकिस्तानी रेंज के अंदर हमको जाने की परमिशन दीजिए। तो कमांडिंग अफसर रात के 1 बजे अब्दुल हमीद को देख रहे हैं और पाकिस्तान की स्थिति को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेवर, आप नहीं जाओगे अब्दुल हमीद, आप सिंगल फायर हमारे पास आरपीएल के हो, आप नहीं जाओगे। तो इन्होंने कहा कि सर, और जब उन्होंने देखा कि अब्दुल हमीद की आंखें एकदम शेर के माने लाल हो रही, पूरी तरीके से उसका फेवर देखा, उन्होंने कहा कि सर, हमको पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ना है सर, और सामने से हम अटैक को जो है हमने देख लिया है, सब टैंकों को मैंने देख लिया है, हम इनको इनके ऊपर पीछे से वार करेंगे, साइड से वार करेंगे। इसके बाद भारतीय सेना ने खास व्यूह रचना के तहत पहले उनको आगे बढ़ने दिया और फिर चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। खेमकरन में इन पैटर्न टैंकों को जिसने सबसे ज्यादा बुरी तरह से ध्वस्त किया, वो थे भारतीय सेना के जवान अब्दुल हमीद। 18 सितंबर की सुबह चीमा गांव में अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को आते देखा और अकेले उनसे भिड़ गए। अपनी जीप में बैठ के उन्होंने रिकॉयलेस गन से ही इन टैंकों पर धावा बोल दिया। एक एक करके उन्होंने पहले 4 टैंकों को उड़ाया, अगले दिन फिर 3 टैंकों को नेस्तोनाबूद कर दिया। और टैंक उधर से जो है वो बैरल अपनी नीचे करके चले आ रहे थे, और उसके बाद जैसे ही अब्दुल हमीद के रेंज में आते थे, तो एक गोला एक टैंक का इन्होंने जब निशाना लगाना शुरू किया, तो टैंकों की ये कंडीशन हो गई कि टैंक आते गए और उड़ते गए। पाकिस्तानी फौज इस हमले के बाद जैसे पूरी तरह से लड़खड़ा गई, उसमें भगदड़ मच गई। खेमकरन पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बन गया। भारतीय फौज में जैसे इसके बाद और ज्यादा जोश भर गया। 7 टैंकों को नष्ट करने के बाद अब्दुल हमीद के निशाने पर 8वां टैंक था। दुश्मन ने भी इस दौरान उनको देख लिया। दोनों तरफ से
फायर हुआ। एक गोला अब्दुल हमीद की जीप पर भी आ गिरा और वो बुरी तरह से घायल हो गए। इनका भी आरपीएल गोला का जो टाइगर था वो हिट हो चुका था और उसने भी देख लिया, इन्होंने भी देख लिया। और अगर एक सेकंड का मसला अगर थोड़ा सा रुक जाता तो शायद ये बच जाते, ये उसको मार देते। लेकिन वो उसने जब मार दिया तो इनका दाहिना जो है, दाहिना चेस्ट जो है पूरी तरीके से हवा में उड़ गया। इसके बाद भी अब्दुल हमीद दुश्मन से भिड़े रहे और आखिरकार वो शहीद हो गए। उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हालांकि किस्सा तो ये भी है कि लड़ाई छिड़ने के वक्त अब्दुल हमीद छुट्टी पर थे, लेकिन वो वापस लौटे। लौटते वक्त का भी एक लम्हा बेहद भावुक था। उनकी पत्नी ने उनको जाने से रोका था। अब्दुल हमीद के पोते जमील आलम वो कहानी बता रहे हैं। और वो स्टेशन तक जैसे ही निकलने लगे तो सबसे पहले तो उनका जो बेड जो होता है, जो बिस्तर बंद जिसको बोलते हैं, वो उनका बेल्ट टूट गया। और उसके बाद और लोग मायूस हो गए कि बेल्ट टूटना जो है ये अपशगुन के तौर पे देखा जाता है। फिर उसके बाद फिर भी दादी ने मना किया लेकिन माने नहीं। और उसके बाद साइकिल पे उन्होंने बक्सा लोड किया, जाने लगे साइकिल का जो है टायर जो है वो ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद फिर उसके फिर आगे बढ़ने से बिल्ली रास्ता काट दी। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो दादाजी के जो फादर थे, चूँकि पहलवान तो थे, दिल बहुत ही उनका मजबूत था, लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होने लगा था कि मतलब ये मुझे लग रहा है कि दोबारा हम नहीं देख पाएंगे। तो परिवार से पहले देश, ऐसा मानने वाले वीर जवानों के कारण ही भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया में है। उसकी ताकत का डंका पूरे विश्व भर में बजता है। तो परमवीर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे एक और परमवीर की कहानी। मैं हूं गौरव कुमार पांडे, आप सुनते रहिए ईयरशॉट। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। earshot, here and now.